जो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इस हिसाब से आई होप कि आप ठीक ही होंगे और मेरी भी सारी गर्मियां अच्छे से ही निकल रही हैं जैसे तैसे। और इसके साथ साथ अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने फुल वीडियो डाला है तो क्या मेरे एग्जाम खत्म हो गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैंने सोचा कि एग्जाम के साथ साथ स्किन केयर इज सो इम्पॉर्टेंट, मतलब एग्जाम तो अपनी जगह है लेकिन स्किन केयर करना अपनी जगह, तो बस इसी के लिए मैं स्किन केयर का पूरा आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ और साथ साथ अपना भी स्किन केयर करती जा रही हूँ। कॉलेज ऑफिस या स्कूल की गर्ल्स है तो वो तो डेफिनेटली इसको ट्राई करें। तो ये सारी बातों को हटाकर साइड में सबसे फर्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं कि मैंने ली है मुल्तानी मिट्टी अपने फेस की क्लींजिंग करने के लिए। अब अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप इसकी जगह पर कच्चा दूध भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको अपने फेस की क्लींजिंग करनी है डीप, और जो अंदर अंदर तक की जो डर्ट होती है उसे बाहर निकालना है सिंपली। तो आप कच्चे दूध से क्लींजिंग कर लें, बट मैं मुल्तानी मिट्टी से क्लींजिंग करूंगी क्योंकि मुझे मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छे से सूट करती है। और जो है ना पूरे फेस की अच्छे से फेस के ऊपर मुल्तानी मिट्टी लगा लगू कर अच्छे से उसको घिस घुसा कर थोड़ी सी देर के लिए रखूंगी। मैं ज्यादा ड्राई नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा ड्राई स्किन नहीं हो जाए, क्योंकि मेरी एज सच इतनी भी ऑयली स्किन नहीं है। तो पूरे फेस अच्छे से मतलब मुल्तानी मिट्टी लगाकर इसको हम वॉश कर लेंगे। नॉर्मल वाटर से वॉश किया है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है तो मैं थोड़ा गर्म पानी भी नहीं लगाना चाह रही हूँ चेहरे पर। तो आपको सिंपली एज सच इसमें क्या है ना, ये इतना सस्ता स्किन केयर है कि इसमें आपका कोई बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होने वाला, सिर्फ 10 से 20 रुपए में हो जाने वाला है। तो कोई बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमारा बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत सस्ता और बहुत इफेक्टिव है। एंड उसके बाद आ जाते हैं सेकंड स्टेप पर, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है और यही वाला स्टेप जो है ना वही मेन है। अगर ये स्टेप जो अभी बता रही हूँ, ये जिन लड़कियों की नई नई शादी होने वाली है, अभी उनकी नहीं हुई है, या कोई अच्छा कोई फंक्शन है आपके घर में, तो आप ये स्टेप को फॉलो कर लो। बस सिंपल, अगर क्लींजिंग भी आपके अच्छे हो रखी है फेस पर तो ये सिंपल स्टेप जो अभी बता रही हूँ वो फॉलो कर लो तो आपका फेस एकदम चमक उठेगा और सब पूछेंगे घर पर जब भी कोई फंक्शन होगा कि इतना फेस कैसे चमक रहा है। तो आपको लेना है आलू, पोटैटो लेना है। तो बेसिकली आपको आलू का जूस चाहिए। अब आप चाहे जैसे निकालें, जूसर में निकालें, मिक्सी में निकालें, या आलू को मैश करके जो कद्दूकस किया जाता है उस तरीके से निकालें। मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके उसको ऐसे मैश वो कर पकड़ पकड़ के दबाकर उसका जूस निकाल लिया है अच्छे से। आप 1 से 2 चम्मच आलू का जूस लेना, और इस आलू के जूस में हम मिलाएंगे आधा नींबू, मतलब आधे, मैंने पूरा नींबू नहीं निचोड़ा है, आधे से थोड़ा कम ही निचोड़ा है। आप 2 चम्मच जो आपका जूस है उसके अंदर आप थोड़ा आधा चम्मच आप नींबू का रस ले लें और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दें। मतलब इनके इसको इतना ही नहीं छोड़ना है, इसके अंदर एक और चीज हम ऐड करें। और अब हम इसमें मिलाएंगे कॉफी, आप कॉफी कोई सी भी यूज कर सकते हैं। इसी के अंदर हम मिलाएंगे एवर यूथ का गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क, जो कि सिर्फ आपको 10 से 15 रुपए में मिल जाएगा, कोई इतना महंगा नहीं आता। आलू तो आपके घर में मिल ही जाएगा और ये 10 से 15 रुपए में एवर यूथ का पील ऑफ मास्क मिल जाएगा। तो बस इसको इसमें पूरा अच्छे से मिक्स कर दें। पहले मैं ना कोई स्पून कांटा छुरी वगैरह देख रही थी कि मुझे सिर्फ चलाने मिलाने के लिए मिल जाए, बट मुझे कुछ मिला ही नहीं तो मैंने लेकर उसको हाथ से घुमा डाला। और इसके साथ साथ ऐड करना चाहूंगी, अगर नींबू आपके फेस के ऊपर सूट नहीं होता, आपको सूट नहीं करता है, तो आप नींबू का यूज मत करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो बाहर के फेस पैक्स वगैरह होते हैं उनमें भी एसिड मिला हुआ होता है, लेकिन जो हम नींबू यूज कर रहे हैं वो तो नेचुरल एसिड है और वो हमारी स्किन को कोई हार्म एज सच करता नहीं है। बट हाँ, अगर आपकी स्किन को हार्म हो जाती है नींबू से तो आप ना यूज करें, आप इसको स्किप कर दें, नींबू मत डालें नींबू। अब बारी आ जाती है इसको लगाने की। तो पहले तो आपको बता दूं, आपको ना इसकी बहुत ज्यादा थिक और मोटी मोटी सी लेयर्स को लगाना है, बिल्कुल पतला तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है कि आप थिन थिन लेयर लगा लो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। और आपको इसको फोरहेड के पास से निकालना चालू करना है। मैंने थोड़ी पतली लेयर लगा दी थी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पतली लेयर लग गई तो थोड़ा बाद में मेरा पचका हो गया था, बट कोई ना, फिर मैंने इसको इसी तरीके से निकाल लिया था। लेकिन अगर आप थोड़ी मोटी लेयर लगाओगे तो वो इजीली फोरहेड पर से पूरा आपका मास्क की तरह ही निकलेगा। फिर मैंने इसको इस तरीके से पूरा निकाला और पता है मुझे खुद की ही शक्ल देखकर इतनी भयंकर हंसी आ रही थी। फिर जैसे तैसे मैंने इसको पूरा निकाल लिया था और मैंने थोड़ा भी इसको निकाला ना, तभी मैं समझ गई थी कि मेरा स्किन जो ग्लो मार रही थी, एकदम चमक रही थी, मैं समझ गई कि आज तो मेरी स्किन बड़ी मस्त होने वाली है। तो हो ही गई थी पूरा निकालने के बाद, पर थोड़ा सा मुझे ड्राई फील हुआ तो फिर मैंने ये रोज वाटर लगा लिया था। आप मॉइस्चराइजर लगा लो लेकिन बहुत अच्छी स्किन हो जाती है, आप डिफरेंस ना खुद देख सकते हो। जो मेरी नेक है वहां पर मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया था, और फेस देखो और नेक का डिफरेंस देखो कि कितना ज्यादा फेस ग्लो मार रहा है बट नेक उतनी ग्लो नहीं मार रही है। बहुत ही ज्यादा बेस्ट है ये मास्क, तो आप जरूर ट्राई करना ये वाला मास्क। चलिए मिलती हूँ आपसे फिर नए वीडियो में, बाय।